हम यहाँ पे अभी आपको ये क्वेश्चन नहीं देखना है आपको, ठीक ना, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करें। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, वन होगा, एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी ये भी कितना होगा, वन होगा। क्लियर है? तो आप यहाँ से रेट लॉ लिख सकते हैं कि रेट विल बी इक्वल टू के टाइम्स, अगर रेट कॉन्स्टेंट के है तो के टाइम्स ए रेज टू द पावर वन इंटू बी रेज टू द पावर वन, आप लिख सकते हैं इतना, राइट? मीन्स अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है फिर तो रेट लॉ लिखना बहुत ही सिंपल है, जस्ट रिएक्टेंट रेज टू द पावर कोएफिशिएंट लिखें, आपका आंसर आएगा, राइट? तो चलिए इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, डेराइव द रेट लॉ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, आपको लिखा हुआ है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यहाँ पे रिएक्शन है NO प्लस O3 इज कन्वर्टिंग इनटू NO2 प्लस O2, इसके लिए आप पहले ये लिखें और इसका रेट लॉ डेराइव करें। चलिए डेराइव करें आप, चलिए अगर हम यहाँ पे रेट लॉ की बात करेंगे तो अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो बहुत इजीली आप लिख सकते हैं कि रेट इक्वल्स टू के वन इंटू एन ओ रेज टू द पावर वन इंटू ओ थ्री रेज टू द पावर वन, ये हो जाएगा रेट लॉ। क्लियर है? आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चन वन, सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन टू आपको लिखना है, क्वेश्चन है कि 2N2O5 इज कन्वर्टिंग इनटू 4NO2 प्लस O2, ये रिएक्शन गिवन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे हो रहा है, तो इसको हमने स्टेप वाइज में ब्रेक किया हुआ है, ये आपको गिवन रहेगा एग्जाम में, ठीक। प्रॉब्लम है कि फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन सजेस्टेड, स्टेप वन है N2O5 इज कन्वर्टिंग इनटू NO2 प्लस NO3, ये स्टेप स्लो है। स्टेप टू इज N2O5 प्लस NO3, ये जो NO3 बना है तो NO3 के साथ रिएक्ट होकर 3NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप स्लो है एंड सेकेंड स्टेप फास्ट है, मतलब फर्स्ट स्टेप स्लो होने का मतलब K1 कम होगा, K2 ज़्यादा होगा। क्लियर है? अभी जल्दी से नोट करें और ये क्वेश्चन लिखें आप। अब चाहे तो वीडियो पॉज करके जल्दी से लिखें। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड मॉलिक्युलैरिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री रिएक्शन, फाइंड मॉलिक्युलैरिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री रिएक्शन। सेकेंड क्वेश्चन है, डेराइव रेट लॉ। अब देखिए अपन बात कर लेते हैं कि रेट लॉ डेराइव करना है आपको, तो यार एक चीज़ ध्यान देना रेट लॉ डेराइव करने में, कि फर्स्ट पॉइंट नोट में आपको जो ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया वैसे पहले ही लेक्चर में बताया कि मॉलिक्युलैरिटी डिफाइंड है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी डिफाइंड नहीं होता है। इट मीन्स अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मैं इसका मॉलिक्युलैरिटी टू नहीं बोल सकता, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। क्लियर है? आप चाहें तो नोट में फर्स्ट पॉइंट लिख लें प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, फर्स्ट पॉइंट की ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस, ओवरऑल मॉलिक्युलैरिटी फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस, हो गया। सेकेंड पॉइंट, आपको याद रखना है कि कभी भी रेट लॉ डेराइव करना है तो जो स्लो स्टेप है यही बेसिकली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रिएक्शन का रेट स्लो स्टेप से ही डिटरमाइन करते हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखें कि स्लोएस्ट स्टेप इज आरडीएस, आरडीएस मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, हो गया, स्लोएस्ट स्टेप इज आर डी एस। थर्ड पॉइंट,
एक चीज़ हमेशा याद रखना कि रेट लॉ जब भी आप डिराइव करें तो रेट लॉ में रिएक्टेंट का टर्म हो सकता है, प्रोडक्ट का टर्म हो सकता है, कैटलिस्ट है मे बी इसका भी टर्म हो सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट का टर्म नहीं होगा। किसका टर्म नहीं होगा रेट लॉ में? जैसे ये रेट लॉ है, आपने रेट का एक्सप्रेशन लिखा है, तो रेट लॉ में इंटरमीडिएट का एक्सप्रेशन नहीं होगा। इंटरमीडिएट क्या होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। इंटरमीडिएट मीन्स जो रिएक्शन के बीच में प्रोड्यूस हुआ एंड रिएक्शन में ही कंज्यूम हो जाएगा। जैसे देखें आप N2O5 तो रिएक्टेंट है, NO2 भी यहाँ पे प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है। NO3 देखें आप, NO3 फर्स्ट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ राइट, लेकिन सेकेंड रिएक्शन में आप देखें स्टेप 2 में कंज्यूम हो गया, तो ओवरऑल रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट दिख रहा है क्या? नहीं। क्लियर है? तो अगर ओवरऑल रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं दिखता है तो रेट लॉ के एक्सप्रेशन में भी, रेट लॉ के एक्सप्रेशन में भी इंटरमीडिएट का टर्म नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं आपकी, देयर शुड नॉट बी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इन रेट लॉ। देयर शुड नॉट बी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट इन रेट लॉ। और चलो आप ये भी लिख लो कि इन दिस रिएक्शन NO3 इज इंटरमीडिएट। इन दिस रिएक्शन NO3 इज इंटरमीडिएट। ये तो लास्ट पॉइंट सिर्फ इस रिएक्शन के लिए वैलिड है। क्लियर है? चलिए अपन अगर यहाँ से मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, मॉलिकुलरिटी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन कितना हो जाएगा? 1। मॉलिकुलरिटी ऑफ सेकेंड रिएक्शन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो स्टेप 1 का मॉलिकुलरिटी 1 है, स्टेप 2 का मॉलिकुलरिटी 2 है। सेकेंड पार्ट, रेट लॉ जब भी डिराइव करना होता है तो अपन RDS से डिराइव करेंगे। तो अपना RDS ये स्टेप है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि रेट इक्वल्स टू K1 इंटू N2O5 रेज टू द पावर 1। क्लियर है क्या? तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? तो ऑर्डर विल बी 1। ये रिएक्शन का अगर आपसे पूछो ऑर्डर क्या होगा, ये मैकेनिज्म दिया है, तो ऑर्डर विल बी 1। क्लियर है? नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन 3, लिखिए आप कि डिराइव द रेट लॉ फॉर 2NO प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO2। डिराइव द रेट लॉ फॉर 2NO प्लस O2 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO2। और आपको मैकेनिज्म दिया है, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है NO प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन है, K1 और ये K इनवर्स है, तो ये बन रहा है NO3, ये फास्ट है ठीक। और सेकेंड NO प्लस NO3 का रेट कांस्टेंट K2, तो ये बन जाएगा 2NO2 और ये स्टेप स्लो है। मैकेनिज्म NO प्लस O2, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट K1, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट K इनवर्स, NO3 में कन्वर्ट हो रहा है, ये फास्ट इक्विलिब्रियम है। एंड सेकेंड स्टेप है, स्टेप 2 है, NO प्लस NO3 इज कन्वर्टिंग इनटू 2NO2। स्टेप 1 और यहाँ पे है स्टेप 2। क्लियर? अब
आप थोड़ा समझने का ट्राई करो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। फिर से मैं जितने प्रॉब्लम करवा रहा हूँ आपको, मीन्स आपको ऐसे कुछ भी रैंडम प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। मैं जितने केसेस करवा रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड केस है, एक और केस करवाऊंगा, फोर केस, इनमें से ही इनके टाइप का ही प्रॉब्लम सिर्फ आएगा अप्रॉक्सीमेशन में, ठीक ना। आपको सोचना क्या है, आप देखिए कि ये स्टेप तो बहुत ही फास्ट है, ये स्टेप स्लो है, क्लियर है। तो अगर आपको रेट लॉ डिराइव करना है तो अपन स्टार्ट RDS से ही करेंगे, ये स्टेप RDS होगा, क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि रेट इक्वल्स टू K2 इंटू NO रेज टू द पावर 1, सिंस ये एलिमेंटरी रिएक्शन है, इंटू NO3, क्लियर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम है, जो हमने रेट लॉ लिखा इसमें NO3 का एक्सप्रेशन आ रहा है, NO3 यहाँ पे है ही नहीं। आप देख रहे हैं कि NO3 फर्स्ट रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंड रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, मीन्स NO3 तो इंटरमीडिएट है, और आपको पता है रेट लॉ में इंटरमीडिएट का टर्म नहीं होना चाहिए, तो हमें ये टर्म हटाना पड़ेगा, क्लियर है। अब कैसे हटाएंगे, आप देख रहे हैं कि ये रिएक्शन जो दिख रहा है ये फास्ट है और ये स्लो लिखा हुआ है, क्लियर है। तो अगर ये फर्स्ट रिएक्शन फास्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि NO प्लस O2 मिलके NO3 बना, और NO3 लेट्स से कंज्यूम होगा सेकेंड रिएक्शन में, स्लोली टू NO2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन स्लो है और ये रिएक्शन फास्ट है, और अगर ये रिएक्शन फास्ट है तो मैं मान सकता हूँ कि ये रिएक्शन ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। मतलब अगर ये फास्ट है तो इक्विलिब्रियम अचीव करने में बहुत कम टाइम लेगा, मतलब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया और इसको फाइनली इक्विलिब्रियम पे ही आना है, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे बहुत इजीली आ जाएगा, मीन्स बहुत कम टाइम में इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इन केस आपने थोड़ा सा NO3 बाहर भी निकाल लिया, NO से रिएक्ट भी कर लिया, तो भी अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ भी, तो भी सिंस ये फास्ट रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी रीस्टेब्लिश हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली मैं मान सकता हूँ कि ये रिएक्शन ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे ही होगा, बात समझ में आ रहा है क्या। कैसे क्यों मान रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे फास्ट लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट रिएक्शन ऑलवेज इक्विलिब्रियम पे होगा, तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, K1 इंटू NO इंटू O2 रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन K इनवर्स इंटू NO3, क्लियर है। तो आप यहां से अब NO3 का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं, तो यहां से NO3 का एक्सप्रेशन होगा K1 इंटू NO इंटू O2 डिवाइडेड बाई के इनवर्स, क्लियर है। तो यहां से अब ये वैल्यू आप पुट कर दें यहां पे, तो यहां से हो जाएगा रेट इक्वल्स टू K2 इंटू NO, NO3 के प्लेस पे आप पुट कर दें K1 बाई के इनवर्स इंटू NO इंटू O2, क्लियर है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ रेट इक्वल्स टू K1 K2 अपॉन के इनवर्स NO स्क्वायर इंटू O2, क्लियर है। आप चाहे तो ये कांस्टेंट है पूरा टर्म, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि रेट इक्वल्स टू K इंटू NO स्क्वायर इंटू O2। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू NO कितना हो जाएगा, 2 होगा, एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड K ओवरऑल विल बी इक्वल टू K1 K2 अपॉन K इनवर्स हो जाएगा, क्लियर है क्या। तो
अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 होगा। कैसे बताएंगे आप, देखो फिर से बोलो, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इतना पार्ट दिया होगा ठीक ना, ये रिएक्शन दिया होगा, अगर कॉम्प्लेक्स है तो इसका मैकेनिज्म ऑलवेज गिवन होगा, तो आपको मैकेनिज्म भी दिया है और आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो आपको ये नहीं देखना है कि RDS का ऑर्डर ये है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1+1 2 होगा, ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे रेट लॉ डिराइव करना है। रेट लॉ में देखें फाइनली ऑर्डर 2+1 3 आ रहा है, तो ऑर्डर विथ ऑफ रिएक्शन विल बी 3। क्लियर है क्या? चलिए अब जल्दी से नोट कर लें। हो गया, आई होप आपने लिख लिया होगा। एक चीज आपसे और पूछ सकते हैं, लेट्स से एक्टिवेशन एनर्जी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? अगर आपको सबका एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, लेट्स से इसका एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी E-inverse है, इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी E2 है, तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा? तो ये कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास ये एक्सप्रेशन है, आप लिख सकते हैं कि K=A e^-EA/RT। क्लियर है? इक्वल टू K1 के प्लेस पे लेट्स से A1 e^-EA1/RT, K2 के प्लेस पे A2 e^-EA2/RT, K इनवर्स के प्लेस पे लेट्स से मैं लिखता हूँ A इनवर्स e^-EA1/RT, ऐसे आप लिख सकते हैं। और चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि A(e^-EA/RT) विल बी इक्वल टू, अगर आप इसमें प्रॉक्स, चलिए वहाँ से कॉन्स्टेंट है A1 A2 upon A inverse e^1/RT into ये हो जाएगा -1/RT, मैं कॉमन ले लेता हूँ, अगर आप -1/RT कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा EA1 plus EA2 minus EA inverse। आप इनको कंपेयर करें तो यहाँ से EA ओवरऑल विल बी इक्वल टू EA1 plus EA2 minus EA inverse होगा। A ओवरऑल क्या होगा, A1 into A2 upon A inverse होगा। क्लियर है क्या? तो अब जल्दी से नोट कर लें। चलिए एक और मैं प्रॉब्लम लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ पे तो लिखा हुआ था कि इक्विलिब्रियम फास्ट था, सेकंड स्लो था, एक और केस आपको मिल सकता है, जैसे कुछ ऐसा A+B लेट्स से K1 inverse C plus D इज कन्वर्टिंग इनटू E, और लेट्स से ये K2 है राइट, और आपको यहाँ पे ये मिल सकता है कि कुछ भी नहीं लिखा हो, कौन सा स्लो है कौन सा फास्ट है, कुछ भी नहीं लिखा है राइट, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि दोनों का रेट ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको लिखा है कि लेट्स से बोथ है कंपेरेबल रेट, दोनों का रेट ऑलमोस्ट सेम है। अब आपको रेट लॉ डिराइव करना है, तो डिराइव रेट लॉ,
इसलिए अपन अगर इसका रेट लॉ डिराइव करें, ठीक है, वैसे ओवरऑल रिएक्शन तो होगा ए प्लस बी प्लस डी कन्वर्टिंग इनटू ई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर दोनों का रेट ऑलमोस्ट सेम है तो आपको यहाँ पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज़ करना पड़ेगा, यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। समझते हैं ये स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या है। तो देखो यार, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये है कि अपन ये मानते हैं कि मान लो अगर ये कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, प्रोग्रेस और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, आप देखोगे कि इंटरमीडिएट है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, ध्यान से सुनना, रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ए प्लस बी रिएक्ट होंगे, सी में कन्वर्ट होगा। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो टी इक्वल टू जीरो पे सी का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा, क्लियर है। तो अगर मैं इंटरमीडिएट का अगर कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करूँ, टी इक्वल टू जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंटरमीडिएट जीरो होगा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा इंटरमीडिएट कुछ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट कुछ प्रोड्यूस होगा मीन्स इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। लेकिन क्या होगा कि इंटरमीडिएट है ये फॉर्म प्रोड्यूस हो रहा है, साथ में रिएक्ट भी हो रहा है। तो अपन ये मानते हैं कि अगर इंटरमीडिएट है और अगर ये प्रोड्यूस भी हो रहा है और कंज्यूम भी हो रहा है, तो ये मानते हैं कि कुछ टाइम के बाद इंटरमीडिएट का रेट ऑफ कंजम्पशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, मीन्स इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगा, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा, तो कुछ टाइम के बाद फिर इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मैंने इंटरमीडिएट के कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट किया है। मीन्स क्या होता है कि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, फिर इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहेगा, फिर डिक्रीज होगा, क्लियर है। तो अब इस स्टेज में देखिए, मैक्सिमम टाइम तक इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है, क्लियर है क्या। तो ऐसे केसेस में अगर इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट है तो मैं लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या है, सी है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी विल बी इक्वल टू, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस लिख देता हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी। तो आप देखें कि सी अपीयर कौन से रिएक्शन में हो रहा है, तो आप देखेंगे कि सी ए प्लस बी अगर कन्वर्ट हो रहा है सी में, तो इस रिएक्शन में सी अपीयर हो रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या हो जाएगा, K1 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा, क्लियर है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी, सी अपीयर डिसअपीयर कौन कौन से रिएक्शन में हो रहा है, एक तो बैकवर्ड डायरेक्शन में डिसअपीयर हो रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर आपको रेट लिखना है तो दिस विल बी इक्वल टू के इनवर्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी प्लस सी एक और रिएक्शन में डिसअपीयर हो रहा है, कौन से, सेकेंड रिएक्शन में भी सी कंज्यूम हो रहा है, तो इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो प्लस के टू इंटू सी इंटू डी। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो आप यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, K1 इंटू ए इंटू बी डिवाइडेड बाई के इनवर्स प्लस K2 इंटू डी। ये तो हो गया इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं लिख दूँ, वैसे ये ओवरऑल रिएक्शन क्या था, अगर आप ऐड कर दो तो ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा, ए प्लस बी प्लस डी इज कन्वर्टिंग इंटू ई, ये ओवरऑल रिएक्शन था। ये रिएक्शन आपको गिवन होगा, ए प्लस बी प्लस डी इक्वल्स टू ई, आप इन दोनों रिएक्शन को अगर ऐड करोगे तो नेट रिएक्शन आपको मिलेगा, सी से सी कैंसिल होगा
ए प्लस बी प्लस डी इक्वल्स टू ई है, राइट। तो अगर मैं चाहूँ तो इस रिएक्शन के लिए लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू ई प्रोड्यूस हो रहा है तो डी ई बाई डी टी लिख सकता हूँ क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू डी ई बाई डी टी। तो यहाँ से डी ई बाई डी टी विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ डी ई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी ई बाई डी टी इस रिएक्शन से के टू टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, ये होना चाहिए था रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट का एक्सप्रेशन है तो इंटरमीडिएट आपको हटाना पड़ेगा, तब क्या करें सी का ये कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दें। तो यहाँ से डी ई बाई डी टी विल बी इक्वल टू के टू सी के प्लेस पे ये पुट कर दें इंटू के वन इंटू ए इंटू बी इंटू डी अपॉन के इनवर्स प्लस के टू इंटू डी, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, क्लियर है। चलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ सिंपल सेट ऑफ में समझने का ट्राई करें आप, कभी भी दो रिएक्शन दे दे और ये इक्विलिब्रियम पे है और ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो आपको अगर रेट का एक्सप्रेशन लिखना है तो आप क्या करें बाकी सब भूल जाएं। इससे तो आप शॉर्टकट बता रहा हूँ फटक से कैसे लिखना आपको, इक्विलिब्रियम से तो आप रेट नहीं लिख सकते हो, आप यहाँ से रेट स्टार्ट करो जो सिंपल रिएक्शन है, तो रेट इक्वल्स टू के टू इंटू सी इंटू डी, राइट। लेकिन सी यहाँ पे इंटरमीडिएट है तो रेट इक्वल्स टू के टू इंटू सी इंटू डी आप इजिली लिख सकते हो, सी इंटरमीडिएट है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हटाना पड़ेगा। इसके लिए अब आपको यूज़ करना पड़ेगा स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। तो स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर सम टाइम कॉन्स्टेंट हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी के वन इंटू ए इंटू पी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी के इनवर्स इंटू सी प्लस के टू इंटू सी इंटू डी हो गया। तो यहाँ से सी का एक्सप्रेशन मिला, मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया, क्लियर है। तो बस ये आपको फोर प्रॉब्लम ध्यान में रखना है, मतलब इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आपको आने वाले हैं, क्लियर है। तो जल्दी लिखें फिर आगे अपन डिस्कशन करते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। तो चलिए अपन समझने का ट्राई करते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए ऑर्डर क्या होता है कि रेट इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर एन होता है, रेट कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल कितना है तब मैं ऑर्डर डिफाइन कर सकता हूँ, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन के किस फैक्टर से रेज टू द पावर, लेट्स से अगर टू है तो ऑर्डर विल बी टू, कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर थ्री है तो ऑर्डर थ्री हो जाएगा। लेकिन अपन यहाँ पे देखें तो रेट इक्वल्स टू के टू के वन ए इंटू बी इंटू डी अपॉन के इनवर्स प्लस के टू इंटू डी है, तो यहाँ पे आप इसको रेट इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख सकते हो, रीजन इज कॉन्स्टेंट बाई ये टर्म भी कॉन्सेंट्रेशन का ही टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे आप रेट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर सम नंबर नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिफाइंड नहीं होगा, तो ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड। इसलिए मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था, जब मैंने ऑर्डर एक्सप्लेन किया था उसी टाइम बताया था कि सारी रिएक्शन का ऑर्डर डिफाइंड नहीं होता है, कुछ रिएक्शन हैं जिनका ऑर्डर आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो, जैसे ये रिएक्शन है, क्लियर है। तब नोट कर लेंगे, लिख लें कि ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस रिएक्शन। जब मैं थोड़ा सा एक चीज़ और एक्सटेंड कर दूँ, बस ये फोर टाइप के प्रॉब्लम आपको सोचने हैं, फिर से बता रहा हूँ आपको, कुछ रैंडम प्रॉब्लम कि ये स्लो हो जाए ये फास्ट हो जाए कुछ ऐसे वैसे कुछ भी नहीं सोचना है, वैसे प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं, ठीक।
कुछ केसेज हैं इनके ही आप रेट लॉ डिराइव कर सकते हो, यही आपको आने वाले हैं, क्योंकि बाकी सारे केसेज के लिए बहुत सारे इन्फाइनाइट केसेज हो सकते हैं इसमें। 3, 4, 5 स्टेप्स दे दे और कुछ भी इक्विलिब्रियम लगा दे, प्रॉब्लम कुछ भी बन सकता है, लेकिन आप डिराइव नहीं कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको एग्जैक्ट अप्रोच होता है, मतलब आपको फिर से जैसे मैंने सिक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ाया था, ए कन्वर्टिंग इंटू बी इंटू सी, तो फिर हमने बहुत बड़ा डेरिवेशन किया था, तो वो तो 2 स्टेप के लिए ही था, तो बहुत बड़ा डेरिवेशन होता है वो सब, हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 3-4 केसेस ही आपको पढ़ने हैं, ठीक ना। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ, ये जो यहाँ पे एक नया टर्म आपको दिख रहा होगा, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। देखो यार, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कब यूज़ करते हैं ध्यान से देखना। जैसे मान लो केस है कोई ए टू बी और लेट्स से बी टू सी है, ये K1 है रेट कांस्टेंट और ये K2 है, ठीक। तो केस 1, K1 एंड K2 कंपेरेबल हो सकते हैं, एक तो ये केस हो सकता है, या केस 2 K1 मतलब ये रिएक्शन स्लो हो सकता है, K1 इज लेस देन K2 हो सकता है, या केस 3 K1 इज ग्रेटर देन K2 हो सकता है, यही तीनों केस हो सकते हैं, ठीक। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होना चाहिए। आप देखेंगे कि अगर K1 एंड K2 ऑलमोस्ट सेम है तो फिर इंटरमीडिएट जिस रेट से प्रोड्यूस हो रहा होगा उसी रेट से फॉर्म भी हो रहा होगा, तो आप इस केस में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। केस 2 में कि K1 इज लेस देन K2, K1 बहुत ही स्लो फॉर्म हो रहा है और यहाँ से बहुत फास्ट रिएक्ट हो जा रहा है, मतलब कुछ ऐसे समझो कि बी बहुत स्लोली, मतलब 1 सेकेंड में 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ और इतना कैपेसिटी है कि ये 1 सेकेंड में आगे 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट हो सकता है, ये मतलब हुआ K1 लेस देन K2 का, मतलब ये रिएक्शन स्लो है और ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट है। केस 3 में K1 इज ग्रेटर देन K2 है, K1 ग्रेटर देन K2 का मतलब है A से B बहुत ही फास्ट फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन B से C बहुत ही स्लोली रिएक्ट हो रहा है। केस 3 आप समझने का ट्राई करो कि A से B बहुत इजीली कन्वर्ट हो रहा है, बहुत फटाक से कन्वर्ट हो रहा है A से B में, लेकिन B से C बहुत ही स्लोली ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। अब क्या देखेंगे कि टाइम के साथ यहाँ पे जो बी है इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होते जाएगा, 1 सेकेंड में 10 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, जस्ट 2 रिएक्ट हुआ, तो 1 सेकेंड में 8 मॉलिक्यूल का नंबर इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट सेकेंड में फिर से 10 फॉर्म हुआ, 2 रिएक्ट हो गया, फिर से नेक्स्ट 8 इंक्रीज हो गया। मीन्स केस 3 में क्या होगा, अगर K1 ज़्यादा है K2 से, तो ये जो बी का कॉन्सेंट्रेशन है टाइम के साथ ऑलवेज इंक्रीज होते रहेगा, मीन्स ये कभी कांस्टेंट होगा ही नहीं। तो इस केस में आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन हाँ, अगर K1 लेस देन K2 है, मतलब कि A से B बहुत ही स्लो फॉर्म हो रहा है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट हो सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ और यहाँ पे कैपेसिटी है 10 मॉलिक्यूल रिएक्ट होने का, अब देखेंगे कि B का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होगा क्या, नहीं, जितना धीरे से फॉर्म हुआ और बहुत इजीली बहुत स्पीड में बी से सी रिएक्ट हो गया, आप देखेंगे टाइम के साथ बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा ही नहीं, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो केस 1 एंड केस 2 में आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन केस 3 में K1 बहुत ज़्यादा है, मीन्स अगर ये फास्ट है ये स्लो है, तब इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, इस केस में आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्लियर है क्या। आप चाहें तो लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट,
चलिए ये था मैकेनिज्म। अब अपन थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं इस चैप्टर में। चलिए प्रॉब्लम है कि ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी एंड ए इज कन्वर्टिंग इनटू सी। इसको बोलते हैं वैसे पैरेलल रिएक्शन, और इसका रेट कांस्टेंट के वन है और इसका रेट कांस्टेंट के टू है, और इसका एक्टिवेशन एनर्जी ई वन है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी ई टू है, राइट? क्वेश्चन है ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी एंड ए इज कन्वर्टिंग इनटू सी, और फर्स्ट का रेट कांस्टेंट के वन, सेकेंड का रेट कांस्टेंट के टू, फर्स्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ई वन, सेकेंड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ई टू है, क्लियर है? तो मैं आपको बता दूं कि के इफेक्टिव होता है ओवरऑल के के वन प्लस के टू होगा, ये होता है। आपको बताना है फाइंड ई इफेक्टिव, तो इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। कि आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। इसलिए यहाँ पे देखते हैं यार, के इफेक्टिव इक्वल्स टू के वन प्लस के टू होता है, तो के इफेक्टिव के प्लेस में मैं लिख सकता हूँ कि ए इफेक्टिव ई रेज टू द पावर माइनस ई ए इफेक्टिव अपॉन आर टी, क्लियर है? के वन के प्लेस पे ए वन ई रेज टू द पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी प्लस ए टू ई रेज टू द पावर माइनस ए टू अपॉन आर टी। आप ऐसे लिख सकते हो के इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर माइनस ए बाई आर टी लिखा। यहाँ तक तो आई होप किसी को डाउट नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, मतलब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ टेम्परेचर से। तो डिफ्रेंशिएट विथ टी, टेम्परेचर से अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये दो कांस्टेंट है, ये मिल जाएगा ए इंटू ई इफेक्टिव ई रेज टू द पावर माइनस ई इफेक्टिव अपॉन आर टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस ई ए इफेक्टिव अपॉन आर टी और माइनस ई ए इफेक्टिव अपॉन आर टी का डिफ्रेंशिएशन इंटू ई ए इफेक्टिव अपॉन आर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये बन जाएगा ए वन ई रेज टू द पावर माइनस ई ए वन अपॉन आर टी इंटू ई ए वन अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस ए टू इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए टू अपॉन आर टी इंटू ई ए टू अपॉन आर टी स्क्वायर। आई होप क्लियर है। ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये टर्म बेसिकली के इफेक्टिव है, तो मैं लिख सकता हूं के इफेक्टिव इनटू ये इफेक्टिव आर टी स्क्वायर कैंसिल इक्वल्स टू ये टर्म के वन है, के वन ये वन प्लस के टू, के टू इंटू ये टू, आर टी स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर दिया, तो यहां से ये इफेक्टिव will be equal to K1 EA1 plus K2 EA2 upon K1 plus K2, clear है क्या? ये K1 plus K2 कहाँ से आया? तो ये K effective नीचे आएगा, K1
के इफेक्टिव इक्वल्स टू के वन प्लस के टू है. तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हो गया के वन ई वन प्लस के टू ई टू अपन के वन प्लस के टू. नोट कर लिया. चलिए फिर नेक्स्ट एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम है. लेट्स से टू ए इज कन्वर्टिंग इनटू थ्री बी और ये के वन है ये के टू है राइट. आपको लिखना है यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना है माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा और आपको लिखना है डी बी बाई डी टी का एक्सप्रेशन. 2a is converting into 3b, ये k1 है, ये k2 है. आपको माइनस डी ए बाई डी टी लिखना है और यहाँ पे डी बी बाई डी टी लिखना है. जरा ट्राई करें आप. इसलिए अपन लिखने का ट्राई करते हैं. देखिए कैसे लिखेंगे. आपको यहाँ पे K1 का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? K1 इज रेट कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू ए भी नहीं, ये रेट कांस्टेंट ओवरऑल रेट कांस्टेंट है ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. K2 इज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो अगर मुझे माइनस डी बाई डी टी लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ माइनस वन बाई टू डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस वन बाई टू डी ए बाई डी टी होगा. ये पॉइंट समझ में आ. और दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन बाई टू डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया राइट. या फिर माइनस डी ए बाई डी टी मीन्स ये रेट ऑफ अपियरेंस है या डिसअपियरेंस है. अगर मैंने माइनस डी ए बाई डी टी लिखा है मीन्स मैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख रहा हूँ इस डायरेक्शन में. तो माइनस वन बाई टू डी ए बाई डी टी हो जाएगा के वन इंटू ए स्क्वायर. के वन इंटू ए स्क्वायर से ये प्रोड्यूस हो रहा है और ये सॉरी के वन इंटू ए स्क्वायर से ये रिएक्ट हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में फॉर्म भी हो रहा है. तो माइनस के टू इंटू बी स्क्वायर. ये समझ में मतलब कि अगर आपको लिखना है कि ए का ये वैसे तो मैंने माइनस वन बाई टू लगाया है. माइनस वन बाई टू डी ए बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन हो गया राइट. तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आप इस डायरेक्शन में लिख रहे हो. तो इस डायरेक्शन में मतलब कि ये रेट ऑफ कंजम्पशन हो गया. तो ये के वन इंटू ए स्क्वायर से ये रिएक्ट हो रहा है और ये के टू इंटू बी क्यूब से अच्छा सॉरी ये बी क्यूब होगा K2 टू इंटू बी क्यूब से ये फॉर्म भी हो रहा है. तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा K1 वन इंटू ए स्क्वायर माइनस के टू इंटू बी क्यूब. लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था माइनस डी ए बाई डी टी. ये मैंने आपसे पूछा था. तो ये टू को आप इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा टू के वन ए स्क्वायर माइनस टू के टू बी क्यूब. क्लियर है. सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि 1 बाई थ्री डी बी बाई डी टी विल बी इक्वल टू. तो देखिए पहले आप ये समझने का ट्राई करो कि ए से बी जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे सिंपल समझो ए टू थ्री बी है और या टू ए से थ्री बी के वन है. तो आप लिख सकते हो कि माइनस 1 बाई टू डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1 बाई थ्री डी बी बाई डी टी. ये तो आप लिख सकते हो. रेट ऑफ रिएक्शन है तो विल बी इक्वल टू के वन इंटू ए स्क्वायर होता है. समझ में आ रहा है पॉइंट. तो देखो यार ये तो मैंने आपको यहाँ से लिखा था वन माइनस वन बाई टू डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू वन बाई थ्री डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू इस डायरेक्शन में रेट के वन ए स्क्वायर होता है.
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने लिखा 1/3 डी बी बाई डी टी इक्वल्स टू, सिर्फ इस डायरेक्शन में रिएक्शन होता तो मैं लिखता के वन इंटू ए स्क्वायर, लेकिन ये इस डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो रहा है तो नेट रेट के लिए मुझे इस डायरेक्शन का सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस के टू इंटू बी क्यूब। तो यहाँ से डी बी बाई डी टी विल बी इक्वल टू 3k1 ए स्क्वायर माइनस 3k2 बी क्यूब। जिसको भी नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लें। यहाँ पे मान लीजिए पहले आप इरिवर्सिबल रिएक्शन का रेट लिखने का ट्राई करो, मान लो ये रिएक्शन होता है 2a इज कन्वर्टिंग इनटू 3b और रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है k1, आप लिख सकते थे माइनस 1/2 dA by dt रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू k1 ए स्क्वायर, इस डायरेक्शन में रिएक्शन का रेट k1 ए स्क्वायर है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे रिवर्सिबल k2 भी दे दे, इस डायरेक्शन में रिएक्ट हो रहा है प्लस यहाँ पे फॉर्म भी हो रहा है, तो नेट रेट के लिए इस डायरेक्शन का रेट माइनस इधर का भी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस k2 बी क्यूब, यही मैंने यहाँ पे लिखा था, राइट। अगर आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया, अब आपको लिखना है टू ए इज कन्वर्टिंग इंटू 3b, ये कन्वर्ट हो रहा है 2c, ये k3 है, ये k1 है और ये k2 है। आपको लिखना है dc बाई dt लिखना है, इसका एक्सपीरियंस सारे ही एलिमेंट्री रिएक्शन है ऑफकोर्स, फिर आपको माइनस dA बाई dt लिखना है और आपको db बाई dt लिखना है। जरा ये आप ट्राई करें, ये आंसर आपका आना चाहिए ठीक ना। चलिए फिर इसका एक्सप्रेशन क्या होगा देखिए, डीसी बाई डी टी, आपको सी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, डीसी बाई डी टी का मतलब होता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो आप लिख सकते थे कि 1/2 डीसी बाई डी टी इज k3 इंटू बी क्यूब, तो डीसी बाई डी टी इज 2 इंटू k3 इंटू बी क्यूब। आंसर आया था आपका डीसी बाई डी टी इज 1/2 डीसी बाई डी टी इज k3 इंटू बी क्यूब हो जाएगा। यार इस रिएक्शन पे आप सिर्फ देखो सी फॉर्म हो रहा है ये पे, तो 1/2 डी सी बाई डी टी इक्वल्स टू k3 इंटू बी क्यूब, राइट, क्योंकि k3 विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है, तो डी सी बाई डी टी क्या हो जाएगा 2 इंटू k3 इंटू बी क्यूब, ये आंसर। अब ये देखो माइनस dA बाई डी टी है, तो माइनस dA बाई डी टी मतलब ए कंज्यूम हो रहा है, तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए क्या होगा सोचो, तो आप कैसे लिखोगे रेट ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन इस डायरेक्शन में हो रहा है राइट, तो रेट ऑफ कंजम्पशन इज k1 इंटू ए स्क्वायर, इस डायरेक्शन में फॉर्म भी हो रहा है माइनस k2 इंटू बी क्यूब, लेकिन ये होगा माइनस dA बाई डी टी इंटू 1/2 होगा, समझ में आया, क्यों होगा, बिकॉज ये k1 विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है और ये k2 भी विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन है, तो माइनस 1/2 dA बाई डी टी विल बी इक्वल टू k1 ए स्क्वायर माइनस k2 बी क्यूब, तो माइनस dA बाई डी टी क्या हो जाएगा 2 को इधर ले जाओ 2k1 ए स्क्वायर माइनस 2k2 बी क्यूब। अब देखें dB बाई डी टी, dB बाई डी टी का मतलब है कि प्लस में दिख रहा है आपको, मतलब ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है b का। अब देखो b कहाँ कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो b फॉर्म हो रहा है एक तो इस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है और इधर कंज्यूम हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इक्वल टू, पहले तो मैं लिखता है कि रेट ऑफ 1/3 लिखना पड़ेगा आपको, dB बाई डी टी विल बी इक्वल टू, फॉर्म किस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो विल बी इक्वल टू k1 इंटू ए स्क्वायर
रेट ऑफ फॉर्मेशन है, इसलिए K1 इनटू A स्क्वायर से फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये कंज्यूम भी हो रहा है। कंज्यूम एक तो इस रिएक्शन में हो रहा है और एक इधर कंज्यूम हो रहा है, तो आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा -K3 इंटू बी क्यूब, इधर कंज्यूम हो गया, इधर भी कंज्यूम हो रहा है, -K2 बी क्यूब। तो ये 1/3 के साथ था, मुझे सिर्फ dB/dt चाहिए, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आंसर। थोड़ा सा ध्यान से देखो आप, बस करना क्या आपको, माइनस प्लस साइन भी देखें आप, अगर ये प्लस है मतलब ये रेट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, फॉर्म इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो K3 × B³ हो गया। माइनस dA/dt मीन्स ये रेट ऑफ कंजम्पशन है, कंजम्पशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डायरेक्शन से कंजम्पशन हुआ तो K1 × A² ये पॉजिटिव रहेगा, इस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है तो रेट ऑफ कंजम्पशन मीन्स रेट ऑफ कंजम्पशन माइनस रेट ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे dB/dt था, मीन्स रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी चाहिए, तो आप रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इस रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है माइनस इस रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, इस रिएक्शन में भी कंज्यूम हो रहा है, तो इनको आपको सब्सट्रैक्ट करना है। और सिंस ये सब रेट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन है, इसलिए मैंने पहले 1/3 dB/dt लिख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया विल बी इक्वल टू, ये टर्म लिखा था, फिर 3 को मैं राइट साइड में ले गया था, ठीक नोट कर लें आप। चलिए हो गया इतना, फिर आप एक चीज़ और ध्यान रखें आप कि अगर कोई भी रिएक्शन है, जैसे ये पैरेलल रिएक्शन आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, मतलब पैरेलल रिएक्शन में आई होप सबको याद ही होगा ये कि A to B और A to C है, ये रेट कॉन्स्टेंट K1 है, ये रेट कॉन्स्टेंट K2 है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी याद है आपको क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू K1 बाई K2, बस ये मेंस के लिए और इनके लिए नीटली ध्यान रखें आप, राइट। चलिए थैंक यू सो मच।